दोस्तों, हमारे जी फाइटर्स की मदद करने के लिए बिल्कुल ही एन मौके पर मेरस आ पहुंचता है। अब क्योंकि जाको मेरस की सच्चाई नहीं जानता, तो वो मेरस से कहता है कि मोरो अब पहले से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और उसका सामना गैलेक्टिक पेट्रोल मिलकर भी नहीं कर सकते। जवाब में मेरस कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ गोकू की ट्रेनिंग को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। अब मैं नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है, बट अगर इससे हमारे हीरोज़ को थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा। फिर तब हमें पता चलता है कि मेरस ने गोकू और हमारे बाकी के जी फाइटर्स को कहीं सेफ जगह पर भेज दिया है। और ये बात मोरो भी रियलाइज़ नहीं कर पाया जब तक कि यही सवाल जाको ने मेरस को नहीं पूछा। मोरो अपनी पावर्स के जरिए उन सबको ढूंढने की कोशिश करता तो है, मगर वो कामयाब नहीं हो पाता। फिर मेरस मोरो पर हमला कर देता है ताकि वो हमारे हीरोज़ को थोड़ा सा वक्त दे सके हील करने और खुद को संभालने के लिए। जब मेरस ने मोरो पर हमला किया तब मोरो कोई लाइफ एनर्जी सेंस नहीं कर पाया था मेरस की, जिससे कि मोरो को पता चल जाता है कि मेरस कोई गॉड है। और देखने से ऐसा लग रहा है कि मेरस बड़ी आसानी से उसे टक्कर दे रहा है, और वो भी बिना किसी एनर्जी रिलेटेड पावर्स के। दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा एक्सप्लेनेशन का 12वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे तो जाओ जाकर पहले वो देख लो, और उन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हम अपने एक्सप्लेनेशन की ओर, तो चलो आओ यार शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अगले पैनल में देखते हैं कि जहाँ पर मेरस ने हमारे जी फाइटर्स को भेजा है वहाँ पर डेंडे के साथ साथ वीस और लॉर्ड बीरिस भी हैं, और उन्होंने ही उस सिचुएशन से गोकू और बाकियों को निकाला है। अब इसका पूरा का पूरा श्रेय दूंगा मैं वीस को, क्योंकि उसी ने ही लॉर्ड बीरिस को खाने का लालच देकर उन्हें अर्थ पर ले आया है। हमारे जी फाइटर्स को सही सलामत फाइट से दूर ले जाकर वीस और लॉर्ड बीरिस फिर बल्मा से मिलने निकल पड़ते हैं। अब क्योंकि वीस ने खाने का लालच दिया था तो अब वीस को लॉर्ड बीरिस की वो इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। मगर नीचे डेंडे हमारे हीरोज को हील करना शुरू करता है। अब क्योंकि फाइट कहीं दूर हो रही है तो डेंडे के पास इनफ टाइम है उन सब को हील करने के लिए। गोहन जाग जाता है और डेंडे से पूछता है कि गोकू कैसा है। डेंडे कहता है कि गोकू का जख्म बहुत गहरा है। अब जो कि गोकू की पावर्स गॉड लेवल पर पहुंच गई हैं तो उसे वक्त लगेगा गोकू को पूरी तरह से हील करने के लिए। फिर अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि गोकू उठ खड़ा होता है, और देखने पर से हम कह सकते हैं कि गोकू पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। डेंडे ने सिर्फ उसका जख्म भरा है जिससे कि उसे होश आ गया। उठने के साथ ही वो डेंडे को पूछता है कि मोरो कहाँ है। डेंडे कहता है कि वो एंजल के साथ लड़ रहा है, यानी एंजल मेरस के साथ। अब ये बात हम पहले से ही जान चुके हैं कि कोई भी एंजल इस तरह से किसी भी लड़ाई को ज्वाइन नहीं कर सकता। एंजल्स ट्रेनिंग के बाहर अपनी एंजेलिक पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ यही एक लौता रूल है जिसे एंजल्स को फॉलो करना होता है, और ये बात गोकू भी जानता है। इसलिए गोकू डेंडे को उनकी हेल्प करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर निकल पड़ता है मोरो की ओर। वहीं दूसरी ओर मेरस और मोरो की फाइट चालू थी, जहां ऐसा लग रहा है कि मोरो अब मेरस पर हावी हो रहा है, और मोरो सवाल करता है कि तुम अपनी असली ताकत को छुपा रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर ठीक तभी वहां गोकू आ जाता है। वो कहता है कि तुम फाइट करना बंद करो वरना तुम्हारा अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। गोकू मेरस को पीछे हटने के लिए कहता है और खुद ट्रांसफॉर्म होता है, और ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही वहाँ बल्मा के घर जा रहे वीस और लॉर्ड बीरस भी गोकू की एनर्जी को पहचान जाते हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या गोकू मोरो से जीत पाएगा। वीस कहता है नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। वही बैटलफील्ड पर मोरो और गोकू की फाइट के दौरान मोरो कहता है कि तुम प्रसिस्टेंट हो रहे हो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा ये वाला फॉर्म मुझे पहले भी हरा नहीं पाया था, और गोकू को भी ये बात याद है। मगर मेरस उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, एक आखिरी पुरुष तुम्हारी अबिलिटीज को जगा सकता है, तुम्हारी ट्रेनिंग काम आ रही है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अचानक से ही मोरो पीछे से मेरस पर हमला कर देता है। वो यहाँ पर मेरस की अबिलिटीज़ को भी कॉपी करना चाहता था, मगर सही वक्त रहते मेरस मोरो का हाथ काट देता है, जिससे जाहिर है कि मोरो गुस्से में आ गया था। और सच कहूँ तो मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता कि क्या होगा जब मोरो मेरस की अबिलिटीज़ को भी कॉपी कर लेगा। तो अब खैर, मोरो की कॉपी पावर्स कितनी घातक हो सकती है ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता, और आगे चलकर हमारे हीरोज़ के लिए ये और बड़ी मुसीबत ना बन जाए, इसलिए अब मेरस मोरो की उस कॉपी अबिलिटीज़ को सील करना चाहता है, ये जानते हुए भी कि आखिर में इसका अंजाम क्या होगा। और वही लॉर्ड बीरस और वीस को भी ये महसूस होता है कि मेरस अब अपनी एंजेलिक पावर्स को यूज़ करने लगा है। वीस कहता है कि आप तो जानते ही हैं कि बिना आपके ऑर्डर्स के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद फिर लॉर्ड बीरस वीस को वापस चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसका ग्रैंड प्रीस्ट को जवाब देना भारी पड़ जाएगा।
फिर उसके तुरंत बाद ही मेरस मोरो पर हावी हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर मेरस मोरो की कॉपी करने वाली एबिलिटीज को सील कर देता है, ये जानते हुए भी कि आगे मेरस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरस के लिए ये फैसला लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। वो भले ही जन्म से ही एक एंजल हो, मगर उसे गैलेक्टिक पेट्रोल में काम करते करते कम से कम ये एहसास हो गया है कि क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि अगर सोचने जाए तो एंजल्स इन सभी तरह के इमोशन से परे होते हैं और वो लोग सिर्फ अपने असाइन किए गए काम को ही तरजीह देना ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर मेरस में ये बदलाव आम लोगों के बीच रहकर ही आया है और ये गलत बात बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं गोकू को भी जाता है, क्योंकि जब गोकू मेरस से ट्रेनिंग ले रहा था तब यूं मान लो कि उसे एहसास हुआ कि गलत लोगों को या मुजरिमों को पिंजरे में डालना या उन्हें मार देना ही जस्टिस नहीं होता। ग्रेटेस्ट जस्टिस सही मायने में वो होता है जिसमें मुजरिम अपना चुना हुआ गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर है, और शायद इसीलिए गोकू अपने दुश्मनों को मारने से हिचकिचाता है। कुछ इसी तरह का ज्ञान मेरस को मिला गोकू के साथ सिर्फ थोड़ा सा समय गुजार कर। मेरस जानता है गैलेक्टिक पेट्रोल खुद को चाहे जितना बड़ा समझ ले, मगर वे पूरे यूनिवर्स को बचा सके इतने पावरफुल नहीं है। बाकी दुनियाओं के मुकाबले वे बेहद कमज़ोर हैं। ये सब जानते हुए भी वो लोग लगातार यूनिवर्स में शांति कायम रखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मेरस ने शांति क्या होती है उसकी कीमत समझी, और इसी वजह से मेरस के लिए ये कीमत चुकाना ज़्यादा आसान है। और गोकू से मिलने के बाद तो मेरस का रिजॉल्व और मजबूत हो गया। फिर मेरस अपने एंजेलिक फॉर्म में आता है और ये फॉर्म देखकर हमें पता चलता है कि मेरस अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। मगर जाने से पहले मेरस अपने बचे हुए वक्त का सदुपयोग करके मोरो पर एक आखिरी मगर एक पावरफुल अटैक करना चाहता है। गोकू उसे ये करने के लिए मना करता है, मगर मेरस यहाँ तक आकर रुकना नहीं चाहता। और फिर उसी वक्त लॉर्ड बेरस और वीज भी वहाँ पहुँच जाते हैं, मगर इस पॉइंट पर वो दोनों कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। और अब उन्हें टेंशन इस बात की लेनी है कि वह ग्रैंड प्रीस्ट के पास ऐसा क्या बहाना लेकर जाएं जिससे वो शांत हो सकें। उसके बाद मेरस खुद को चार्ज करता है और निकल पड़ता है मोरो पर हमला करने के लिए, और जवाब के रूप में मोरो भी उस पर अपना एनर्जी अटैक यूज करता है, जिससे पूरी तरह मेरस चीर कर आगे बढ़ता है और अपनी ताकत से मोरो के सर पर हमला कर देता है, जिससे मोरो कहीं 100 फीट दूर कहीं पहाड़ियों में जाकर टकराता है। और उसके बाद हम अगले पैनल में देखते हैं कि मेरस अब गायब हो रहा है, मगर जाते जाते वो गोकू से कहता है कि जब अगली बार तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल करोगे तब वो फॉर्म पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके बाद मोरो जैसा कोई भी तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा। गोकू, मुझे इस गैलेक्सी से मोहब्बत हो गई है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस गैलेक्सी की रक्षा यूं ही करते रहो। दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।